मॉर्निंग, हम ब्रेकफास्ट करने होटल में नेचर रेस्टोरेंट में आए हैं। आई होप इडली सांभर भी मिलेगा क्योंकि हम अपना होम टाउन में हैं। सुबह सुबह यहाँ पे पराठे नहीं मिलते, इडली सांभर ही मिलता है। बहुत तेज भूख भी लगी है। अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे आदिलाबाद से। हमारा प्लान तो ये है कि सीधा बैंगलोर जाने के लिए। लेट्स सी, यहाँ से तो 850 किलोमीटर दिखा रहा, 908 किलोमीटर दिखा रहा, विच इज़ ऑलमोस्ट 15 आवर जर्नी। पता नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट हमारा ट्राई तो यही है कि सीधा हम बैंगलोर चले जाएँ। अगर नहीं जा पाते तो शायद बीच में हम अनंतपुर में रेस्ट करेंगे, आज रात स्टे करेंगे, फिर वहाँ से हम कल सुबह बैंगलोर चले। आपको एक स्पेशलिटी दिखाऊं जो कि हर घर में आपको मिलेगा मिलेगा, वो है रंगोली। जैसे हम नॉर्थ में होली के टाइम पे और कोई दिवाली के टाइम पे रंगोली करते हैं, बट यहाँ पे डेली करते हैं और बिल्कुल वॉश करके वहाँ पे जो रंगोली का जो पाउडर होता है ना उससे करते हैं। आप देख सकते हैं उनकी घर के सामने देखिए रंगोली, और उसकी सामने और भी हैं, और यहाँ पर भी आप रंगोली देख सकते हैं। और ये डेली होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ कोई फेस्टिवल्स के टाइम पे है या किसी और दिन पे होता है। ये मेरी मॉम भी डेली करती है घर पे, सुबह सुबह बाहर आंगन साफ़ करके, पोछा लगा के, फिर उसके बाद अच्छे से डेकोरेट, मतलब वाइट कलर का जो पाउडर होता है ना उससे करती है। तो यही है साउथ का जो स्पेशलिटी, मतलब आपको कोई आइडेंटिटी चाहिए, आप साउथ में आए हैं तो यही एक फर्स्ट का आइडेंटिटी घर एंटर करने से पहले। चीज़ बताओ, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, साउथ में आए हैं ना हम, अब नारियल पानी भर भर के मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। आपको नारियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का पी सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे नारियल पानी सिर्फ 20 रुपीज़। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये लोग बॉटल्स में भी देते हैं, मेरे ख्याल से 50 रुपये का ये 70। ये तो देखिए नारियल पानी सिर्फ 20 रुपीज़ का। तो अभी हम नारियल पानी पीने वाले, क्योंकि जर्नी के लिए नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, ये तीन नारियल पीने के लिए। तो अभी हम पीने के लिए तीन नारियल लिए हैं क्योंकि सूरज पे भी बहुत अच्छा लगता है नारियल। देखते रास्ते के लिए हम बॉटल लेते हैं कि नहीं लेते। तो और सरप्राइजिंग चीज़ें आपको दिखेंगे क्योंकि हम आए हैं साउथ में। हेलो हेलो मिस्टर शाई, हेलो हेलो। देखो यहाँ पे ना नारियल के पता कैसे गाते हैं, ऐसे नहीं नॉर्थ में रख के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के। देखिए अभी जो है हाथ में रख के कैसे कैसे काटेगा भैया, एक बार देखो ना नारियल कैसे काटते हो आप। देखिए हाथ में रख के कैसे टक 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 हटा रहे ना। ए साउथ का मजा ले लो आप सब लोग। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे गणेश विसर्जन करने के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा मूर्ति होता है तो, और उसको बहुत ट्रैक्टर में लेके जाना पड़ता है, तो उनका ये सजाया हुआ है उन्होंने गणेश चतुर्थी के लिए, आई मीन विसर्जन के लिए। और ये ट्रैक्टर आगे हैं, वो लेके जाएंगे और पूरी रात ये लोग इनको घुमाते हैं और बहुत सारे लोग डांस भी करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, मतलब यहाँ पे मेरी मतलब जितने भी मैंने देखे हैं, और इसे और बड़े बड़े भी होते हैं और उसको उठाने के लिए क्रेन्स और ट्रक्स भी आते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए ये देखिए कितना बड़ा सा है, और लोग डेली आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लैरिटी से, देखिए तो इसी को ही विसर्जन आज होने वाला है, इसी गणेश जी का। तो उसका वो ट्रक में वो पूरा पीछे से डेकोरेट किया हुआ उन्होंने, और वहाँ पे बिठाएंगे। और ड्रम्स वाले भी आए हैं, ये देखिए ड्रम्स वाले भी आए हैं, वो ड्रम्स बजाते हुए और लोग डांस करते हुए जाएंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इसी मतलब इसी ट्रक में ना वो लोग प्रसाद भी रखते हैं, उसी प्रसाद के पीछे मैं बहुत बहुत भागती थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हम आए हैं मथुरा टिफिन सेंटर, जहाँ पे कि आपको इडली डोसा वड़ा मिलता है। तो ये देखे यहाँ पे मसाला डोसा बन रहा है, और भैया एक मिनट साइड होइए, यहाँ पे आपको भैया एक मिनट, यहाँ पे बोंडा वड़ा और इसमें इडली होता है, इडली की बिल्कुल खत्म, इडली खत्म है क्या भैया? एक प्लेट इडली हो जाता,
खाली दो प्लेट है ना? हाँ हाँ हाँ, रास्ते के लिए चाहिए। यहाँ पे देखो बेसो और डोसा कैसे बनाएगा अभी। भैया इदेन दोसा इदी पेसरट्टु। ओके दिस इज पेसरट्टु दोसा, जिसे कि हम ग्रीन मूंग दाल बोलते हैं। और व्हाइट वाला डोसा वाला बैटर भी है, व्हाइट वाला। हाँ ये व्हाइट वाला डोसा वाला बैटर। भैया एक मिनट साइड हो ना, इडली आ गया? नहीं आया। थोड़ा सा इधर दिखाना, घुमाना ये दिखाना। इट्टी तिप्पी चुपिचु, पहले ये पर्ची कटती है, फिर उसके बाद टोकन लेके अंदर खाना मिलता है। यहाँ से आपको दिखेगा बोटा, इडली, डोसा। जस्ट रीच हैदराबाद, जो आउटर रिंग रोड होता है। हम हैदराबाद के अंदर तो जा नहीं रहे, भले हमारा फ्रेंड्स काफी सारे लोग हैं हैदराबाद में, मिलने का भी मन कर रहे हैं, बट हमारा जो अभी डेस्टिनेशन है वो बैंगलोर। तो हम टूवर्ड्स बैंगलोर की तरफ, जो हैदराबाद से जो कट लेके मतलब सिटी के अंदर जाने वाला उसमें अंदर नहीं जा रहे हम, बैंगलोर की तरफ नहीं कर रहे। तो अभी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 629 किलोमीटर्स बचे हैं। जब मैं बोलता हूँ सेल्स फॉर सिर्फ 629 किलोमीटर्स बचे, इनके मुंह थोड़ा सा यू नो लाल हो जाता है, क्योंकि ड्राइव तो मैं नहीं कर रही ना, वो कर रहे। रीच होने का बैंगलोर एक्सपेक्टेशन जो टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम है 12 AM। आई डोंट नो चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे मिस्टर शाही। लेट्स सी, हम तो ट्राई कर रहे हैं बैंगलोर सीधा जाने के लिए, अगर रोड बिल्कुल अच्छा मिलेगा तो। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अच्छा रोड मिल गया अभी, है ना सनी भाई? एक चीज़ बोलना बोल गए अभी एक जगह पे ना, मतलब एक बस जो इंटरस्टेट बसेस होते हैं वो आ रही थी हमारे सामने और बिल्कुल स्लो कर दिया है, और ऐसा होता है तो मतलब बिल्कुल गाड़ी हमारे टकरा जाती है उसको। और मेरा तो जो हार्ट बीट जो रेट होता है ना, वो बिल्कुल एकदम ऊपर चला गया, इंक्रीज हो गया। इनको कुछ नहीं हुआ, मेरे को बस वह मैं एक मतलब 3-4 मिनट के लिए मैं तो उसमें चली गई थी, सदमे में चली गई थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे को तो लगा था आज तो टक्कर लग जाएगी भाई, बट टच वुड, मतलब अभी तो फिलहाल यहाँ पे वुड नहीं है, मैं टच नहीं कर सकती, टच प्लास्टिक, तो हमारा कुछ नहीं हुआ, हम सेफ हैं। तो आगे भी हम और ध्यान रखेंगे और थोड़ा धीरे धीरे ही चलाएंगे, है सनी? यस। हमने इडली खाया ना, और थोड़ा सा पेट भरा भरा सा लग रहा है, ऐसा कोई हमें वो नहीं लग रहा। और शरीफा भी खाए, सीताफल भी खाया हमने रास्ते में, जो कल के लिए आज पक गए थे बिल्कुल। और इतने बड़े 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 बड़े, एक एक हाफ हाफ किलो के होगा, हाफ हाफ किलो से ऊपर होगा, तो पेट भरा हुआ है। मैं तो एक राउंड स्लीप लगा चुकी हूँ और अभी सुयोश सो रहा है, इन्होंने नहीं लगाया स्लीप। हम सीधा बैंगलोर या जो होटल हम रुकेंगे वहाँ पे लगाएंगे, है ना सरी? अभी भी लगा सकता हूँ, अभी भी लगा सकते। नहीं बेटा नहीं, तुम नहीं लगा सकते, हमको सेफली पहुँचना है बैंगलोर। तो रास्ते में शायद हम एक ढाबा में रुक सकते हैं थोड़ा, अगर 3-4 बजे के आसपास अगर भूख लगेगी तो। दोबारा खाने के लिए रुके हैं, ये मिराज फार्म अरेबियाना है। यहाँ पे खेलने के लिए भी है, जॉइंट व्हील, ईट प्ले एंड पार्टी। तो यहाँ आके देखते हैं, अंदर जाके देखेंगे, थोड़ा सा और अच्छा होगा।
ये बच्चों के लिए खेलने के लिए ये सब कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे, ट्रेन, वो जायंट व्हील, छोटा छोटा यहाँ पे, और खेलने के लिए लिखा हुआ है अंदर, छोटे बच्चों के लिए है, थोड़ा सा देखते कैसा होता है। यहाँ पे गो कार्टिंग भी है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे गो कार्टिंग का भी लिखा हुआ है, यहाँ पे गो कार्टिंग। और इनका ये जो मेनू है खाने के लिए, साउथ इंडियन बैंकेट हॉल, गेमिंग जोन खेलो, गो कार्टिंग, पाम एरेना, पाम अम्यूजमेंट पार्क, दिल्ली चाट, क्रीमी जंक्शन, पाम अरेबियाना। ओके, और अंदर भी देख लेते हैं थोड़ा सा कैसा है। ये दिल्ली चाट है, और इन्होंने यहाँ पे ना लिखा हुआ है साउथ इंडियन किस तरफ है, नॉर्थ इंडियन किस तरफ है, वो सब कुछ। अभी तो गो कार्टिंग तो कर नहीं पाएंगे, बाकी ये कुछ मिकी माउस बच्चों के लिए, ये क्रीमी जंक्शन मेरे ख्याल से यहाँ पे आइसक्रीम्स वो सब कुछ मिलेंगे। ये तो ये दिल्ली चाट है ये, और अंदर मॉकटेल स्टेशन। हम देखते हैं, बच्चे अभी आए नहीं, सुयुष आए नहीं अभी तक, लेट्स सी वो लोग क्या खाना पसंद करेंगे। दिस इज़ पाम अरेबियाना है। मेरा फ़ोन बारिश से भीग रहे तो मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ अभी, और यहाँ पे नहीं दिखा सकती, जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहाँ पे दिखाऊँगी। कर्नूल पहुंचे है ना, हाँ तो कर्नूल पहुंचे हैं अभी, हमें 356 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है, और पहुंचने में 12:10 में पहुंचेंगे। बीच में रास्ते में मेरे को लग रहा है रुकना पड़ेगा इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, मेरे लिए और सुयुष के लिए भी, देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं। सुयुष जाना है आपको वॉशरूम, जाना है हाँ या ना बोलो बेटा, इसमें शर्म होने वाली बात क्या है, सबको आता है, बोलो नहीं जाना, चले जाना थोड़ी देर के बाद जाओगे, चलो ठीक है। जैसे हमने हैदराबाद क्रॉस किया, मतलब उसके बाद बारिश होना शुरू हो गया और मौसम बिल्कुल यू नो गर्मी से बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे ख्याल से अभी टेम्परेचर 24 या 25 के नीचे ही है। गरम गरम खिला दो, रात को ही हमने इसके लिए वहाँ पे ना किचन सेट लिया है, तब से ये मतलब कैसे कॉम्बिनेशन बना रहे पता है, ऑमलेट के साथ बैंगन और स्पाइसी बैंगन ऑमलेट, पता नहीं क्या क्या नाम लेके हमको दे देता है। और अभी कह रहे हैं स्पाइसी कुछ बनाऊं, मतलब मौसम सही है ना बिल्कुल, इसीलिए वो कह रहे हैं स्पाइसी कुछ चटपटा बनाऊं, तो मैंने कहा आप बना दे मेरे सिर का, मतलब भेजा फ्राई मत बनाओ, उसका खाना बनाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर वो बना के अभी लेके आएगा, पता नहीं क्या खिलाएगा। वैसे ट्रक्स वाले पता नहीं कैसे चलाते हैं, इतनी 2-3 दिन मतलब यूपी से तमिलनाडु चले जाते हैं, राजस्थान से बैंगलोर चले जाते हैं, मतलब ट्रैवल करते रहते। सो जब हम रीच होंगे तब बताएंगे आप लोगों को हमने कितने बजे रीच किया है। सो तब तक मैं इसने जो बनाया वो खा के देख लूं कैसे बनाया, वरना मेरा भेजा फ्राई कर देगा। मैं अनंतपुरम వచ్చేసాము, ఇది సిటీ బెంగళూరు సిటీ, బెంగళూరు కాదు అనంతపురం సిటీ ఇది। బెంగళూరు రీచ్ హోనే కా అభీ 3 घंटा कुछ चेंज दिखा रहा है, हमने सोचा कुछ खा के निकलेंगे क्योंकि जब पहुंचेंगे तो 1 बज जाएगा। तो हमारा फेवरेट जो है वो खाना मिल गया, जो कि इडली और फ्रेश बन रहा है। डोसा भी बनेगा अभी,
डोसा भी बनेगा, तो लेट्स सी अगर डोसा भी अगर ये फ्रेश बनाएगा तो हम डोसा भी खाएंगे। देखिए कैसे फ्रेश फ्रेश इडली वो निकाल रहे हैं, है ना, कितना सॉफ्ट होता है ना इडली भाई। मेरे लिए तो इडली इतना है ना, मैं कोई भी टाइम पे उठ के मैं खा लेती हूँ। वहाँ पे भज्जी भी हैं और वड़ा भी मिल जाएंगे आपको। देखिए ये चटनी, वाइट चटनी, हर जगह पे ना आपको टोमेटो और वाइट चटनी नहीं मिलता, दोनों में से एक मिलता है। यहाँ पे वाइट चटनी दे रहे हैं, देखिए छोटे में डालेंगे और उसमें इडली। एक मिनट साथ चूपिचना, इधर अम्मा इडली एंत सॉफ्ट सॉफ्ट उठा इडली टू ईयर से यहाँ पे खाना सर्व कर रहे हैं, मतलब लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। और ये लोग बाहर क्यों नहीं निकाले, कार से देखते हैं। चलो ये लोग कार से बाहर निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है। यहाँ पे थोड़ा सा रोड साइड हाईवे NH44 सो यहाँ खा के हम सीधा बैंगलोर के लिए निकलेंगे। क्रिस्पी डोसा, इसके ऊपर वो कुछ पाउडर डालेंगे जैसे हम डालते हैं, और आलू मसाला भी है। ये इडली स्टैंड है जिसमें एक ही बार मेरे ख्याल से एनी ओके अंडी इंद्र ओके सारी एन ऑफा इडली अंटे प्लेट मूडा ओके ओके क्रिस्पी डोसा। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे प्लेट रख लूँ, जो मेरी इडली है वो मैं खा लूँ। तो युष्कना थोड़ा सा मिर्चा लग रहा है चटनी, तो मैं खा लेती हूँ, और वो लोग जब डोसा आएगा तब डोसा खाएंगे। क्रिस्पी डोसा रेडी, आई कोई नहीं। मैंने सुयुष के लिए प्लेन बनवाया और सन्नी के लिए थोड़ा उसमें चिल्ली पाउडर डलवा देती हूँ। ये लो सुयुष, ये सुयुष की है। मैं अपना प्लेट हटा देती हूँ और सुयुष का रख देती हूँ प्लेट मेरे को। खाओ सुयुष। सिर्फ 3 प्लेट इडली और एक प्लेन डोसा, एक मसाला डोसा लिया। गेस करिए कितना हुआ है पैसे, मतलब ये हम आंध्रा में हैं और ये ऐसा एरिया है मेरे ख्याल से इतना महंगा होता ही नहीं यहाँ पे। 3 प्लेट इडली और एक प्लेन डोसा एंड एक मसाला डोसा ओनली 130 रुपीज़। देखिए कितना सस्ता है ना, तो यहाँ की मतलब इकोनॉमी वैसे ही है जैसे हमको मिल रही है चीज़ें। कल जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे केले मतलब डजन मतलब 10 रुपीस के बेच रहे थे वो। मैंने कहा यार ये चीज़ ना गुड़गांव में कम से कम 50 या 60 रुपए का होगा। तो देखे कैसे यहाँ के लोग मतलब चीज़ें होते हैं, कितना चीप है ना। आई नो इट्स वेरी चीप। चले हम बैंगलोर में मिलेंगे। अब ये लास्ट वीडियो है, या हो सकता है जहाँ पे टोल है वहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं हमने जहाँ से शुरू करे थे वहाँ पे फर्स्ट टोल पे हमने वीडियो बनाया, और ये जब लास्ट टोल आएगा तब हाँ वहाँ पर भी हम वीडियो बनाएंगे। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं रात को वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रात को इतनी तेज बारिश हो रही थी यहाँ पे। फाइनली वी रीच बैंगलोर। हम 12:30 बजे आसपास पहुँचे थे, और इतनी तेज जैसे हमने बैंगलोर एंटर किया है बहुत तेज बारिश हो रहा था, मतलब आगे मतलब गाड़ियाँ भी कुछ भी नहीं दिख रहे थे। सो हम वी रीच्ड सेफली टू बैंगलोर। यहाँ पे पीजी में ऑलरेडी हस्बैंड रह रहे थे, तो उसी पीजी में ही हम एक महीने के लिए रहेंगे। मैं इस पीजी को भी दिखाऊंगी कितना अच्छा रहता है इस पीजी में। शायद ऐसा पीजी मैंने मतलब हो सकता है हैदराबाद में अभी बनाया हो। पहले हमारा पीजीज कैसे होते थे और अभी पीजीज कैसे हो रहे, मतलब मैं बिल्कुल अलग अलग है। सो जैसे हम साउथ टच करें, मतलब हेलो बैंगलोर पहुंच गए, बैंगलोर पहुंच गए, तो जैसे हम साउथ आए, मतलब साउथ का जो आइडेंटिफिकेशन से मैंने आपको कल कुछ दिखाया था, जैसे ब्रेकफास्ट में और पूरा दिन आपको इडली डोसा वो कुछ मिल जाता है, और रास्ते में नारियल पेड़ भी दिख जाता है, और घर की आंगन में वो रंगोली लगाते डेली,
आपको मैं कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हमने आज अपना बालकनी तो नहीं है, जैसे रूम में एक विंडोज होते ना, वो विंडो खोला तो सामने कोकोनट ट्री है। जब आपको ऐसा दिखता है ना, मतलब अपना घर की फीलिंग आ जाती है। तो मैं विंडो से आपको एक बार वो दिखा देती हूँ, क्योंकि नॉर्थ में ना आपको कहीं पर भी ऐसा नारियल पेड़ होता ही नहीं है। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा, विंडो से व्यू भी अच्छा लग रहा है। और बाहर ना जो ये पीजी हैं, जहाँ पर ये पीजी हैं, थोड़ा ऑफिसेस के पास में है। सो यू गाइज नो बैंगलोर में ट्रैफिक कैसा रहता है, तो मैंने इनको यही कहा तुम ऑफिस के पास में ले लेना, भले यू नो वॉकेबल डिस्टेंस हो या थोड़ा सा आप कैब में भी जा सकते हो जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एंड ऑल्सो बाहर ईटरीज बहुत ज़्यादा है, डोमिनोज तो बिल्कुल दो कदम के रास्ते में ही है, जब भी हमको भूख लगता है हम तुरंत पहुँच जाएंगे डोमिनोज में। और साउथ इंडियन भी अवेलेबल हैं, नॉर्थ इंडियन भी अवेलेबल हैं। कभी कभी हमें मन तो बिल्कुल करता है यू नो पराठा खाने के लिए, ऐसे नहीं हम हर दिन हमें साउथ इंडियन ही चाहिए, पराठा भी बहुत टेस्टी होता है सुबह सुबह खाने में, और एनर्जी भी मिलता है मक्खन के साथ खाओ तो। सो मैं आपको ना बाहर का बालकनी दिखा देती हूँ, नारियल पेड़ दिखेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी सच। हाँ गिरा हुआ है, देखो उन्होंने वहाँ पे नारियल गिरने के लिए साइड में कैसे रखा। तो ये व्यू है, बगल में नारियल पेड़ है इस बिल्डिंग में, और उन्होंने ऊपर शायद आपको नारियल आपको दिख रहे होंगे, देखिए है ना। हाँ वो नारियल पेड़ नहीं है, वो बैम्बू ट्री टाइप सा है। आपको इन्होंने क्या किया है, नारियल और उनका छोटे छोटे वो गिरते रहते, तो वो ना गिरने के लिए उन्होंने बीच में एक आयरन वाला फिक्स किया हुआ है किसी के सिर पे ना गिरने के लिए। सो सी मतलब किसी को मतलब आप लोगों को लग रहा होगा मतलब पेड़ को देख के ये इतनी इमोशनल क्यों हो रही है, मेरे ख्याल से आप लोग भी मतलब अपना घर को लेके इमोशनल फील करते होंगे या किसी चीज़ को लेके इमोशनल फील करते होंगे, बट मेरे लिए ये पेड़ हो गया है, कुछ भी हो मतलब साउथ इंडियन के रिलेटेड, जैसे रंगोली कभी देखा या कल गणेश विसर्जन देख रही थी, तो अपने बचपन की यादें ना वो पूरे याद आ रहे थे। क्योंकि मैं भी पहले ना इस नारियल पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं ये इससे आप झाड़ू भी बना सकते हो, ये बहुत बनाया और झाड़ू भी बनाए हैं। और हम क्या करते हैं संक्रांति टाइम में, हमारा ना भोगी करके एक दिन हम सेलिब्रेट करते, उस टाइम पे इनका जो भी गिर जाता है, जो ड्राई हो जाता है ना जो ब्रांचेस, हम उसमें भोगी में डाल के आग में जला देते हैं, फिर बहुत बड़ा आग लग जाता है। सो मतलब ये बहुत सारे मेमोरीज हैं, कभी नारियल गिर गया उससे हमने खेलना, छोटे छोटे नारियल गिर जाते हैं तो हम उससे खेल लेते डंडे में डाल के, और बड़े नारियल गिर गया तो फिर उसमें पानी हम चाकू से निकाल के पानी पी लेते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं हमें ना वो अच्छा लगता है। सुयुष इस घर में ना स्विमिंग पूल भी है, एक्चुअली ये हमारा पीजी का नहीं है किसी और का है, तो ये लग रहा है छोटा सा फार्म हाउस या कुछ और है, तो इसमें स्विमिंग पूल भी है, आपको अगर कुछ दिखता है तो मैं बाद में दिखाऊंगी।